10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। विदुर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ राजेश सतपुते और शिल्पा राउत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उनके अलावा कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे और शेर खान के जतिन गेड़िया अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। आज से IPL शुरू हुई है और एंजल वन ने एक स्पॉन्सरशिप बैक की है 410 करोड़ रुपये की। तो आखिरकार क्या प्लान है उनका, इस पर बात करेंगे एंजल वन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी, और ऑब्वियसली ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर भी बात होगी। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी से होगी एक खास चर्चा। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो पर, लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और मार्केट देखिए एक डे हाई और डे लो के एकदम बीचों बीच 21964 पर, एक्चुअली डे लो से तो अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन आज मार्केट में क्लियर कट डाइवर्जेंस है निफ्टी IT और निफ्टी बैंक का। निफ्टी IT 3% नीचे है, निफ्टी बैंक उतना कॉम्पेसेट नहीं कर रहा उसको, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन में है निफ्टी बैंक। अच्छा, निफ्टी IT थोड़ा सा रिकवर हुआ है, एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए पॉजिटिव है लेकिन ऑलमोस्ट 2:1 का। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करेंगे आप तो टॉप लूजर्स में सारे IT नेम्स, विप्रो, परसिस्टेंट, LTI माइंडट्री, एम्फेसिस, कोफोर्ज, LTTS, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, TCS, इन्फोएज, सारे के सारे IT रिलेटेड नाम है। और अगर गेनर्स की बात करेंगे तो कुछ केमिकल स्टॉक्स जैसे कि टाटा केमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टॉप गेनर्स, BPCL, HPCL, बायोकॉन, M&M फाइनेंशियल, सो बेसिकली थोड़े से फार्मा स्टॉक्स, हालांकि हायर लेवल से फार्मा स्टॉक्स भी थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं। वीरू अनुज, एक बात पूछूं, अगर OMC's ग्रिप में आ गई हैं तो क्या एंट्री पॉइंट अच्छा मिल गया, चलाएं अभी? नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है वीरू, मेरा तो ये व्यू है कि मैं तो खैर मैंने जो आज भी व्यू लिया था, खैर वो स्टॉक्स ऑफ द डे में भी चल गए, लेकिन मेरा व्यू तो कल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, अगर आपको याद होगा कल हमने इसकी डिस्कशन की थी, कल भी बड़ी रैली हुई थी, मेरा व्यू तो स्विंग के हिसाब से था कि जो मैं कह रहा था कि उन कैटेगरी में जो स्टॉक्स को डिवाइड करिए जहाँ पर अर्निंग्स अच्छी हैं, आउटलुक अच्छा है, लेकिन स्टॉक सिर्फ इसलिए गिर गए हैं क्योंकि कोई ना कोई मतलब एक टेम्परेरी रीज़न रहा है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आते हैं कि अच्छी कंपनियां अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल थी लेकिन 20-30% स्टॉक्स गिर गए क्योंकि कोई न्यूज़ आ गई उसकी वजह से, तो उस कैटेगरी में आती है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अब आपकी अच्छी खासी ग्रिप में होंगी स्टॉक्स। जी हाँ, और मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि अब डेरिवेटिव्स में टॉप गिनर्स की लिस्ट में दूसरा स्टॉक जो है दैट्स BPCL, अब ये लीजिए बात करते करते 1.7% की तेजी के साथ शानदार मूव है टॉप गिनर BPCL। शिल्पा जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? वीरेंद्र जी, मैं स्टिल BPCL के साथ कंटिन्यू करूंगी, वहाँ पे मुझे लगता है कि 610-620 के लिए जाएगा। ऑलरेडी अच्छा मूव भी यहाँ पे आ गया है, आप वो 600 के कॉल ऑप्शन के साथ भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं जो रफली अभी 9.5 रुपये हो गया है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको वो टारगेट्स 15 से लेके 16 तक आते हुए मिलेंगे, और फ्यूचर्स में भी ये 610-615 के लिए आपको बहुत क्विकली मुझे लगता है आज के दिन में भी आ सकता है। ओके, तो BPCL पर ही फोकस करेंगे, वो कॉल ली गई थी करीब करीब 7-7.5 रुपये पर, अब 9.5 रुपये के करीब इस समय वो BPCL की कॉल इस समय पर। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी PSU स्टॉक्स है वहां पे ही एक्शन है, और जैसे अभी आपने बताया कि मुझे लगता है कि जहाँ पे अर्निंग्स है और ओनली बिकॉज ऑफ सम एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस और मे बी बिकॉज ऑफ सम ओवर रिट्रेसमेंट कुछ करेक्शन आया है, उन स्टॉक्स को देखना चाहिए। तो बिल्कुल, मैं मुझे भी लगता है कि वैसे ही कुछ स्टॉक्स चल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम दिखा सकता है वो स्टॉक है कोल इंडिया, 430 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, 430-432 के करीब। काफी अच्छा इसने करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है, और अगर यहाँ से इसमें अगर रैली बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 460 से लेकर 465 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कोल इंडिया को खरीदे, 430-432 में 420 का स्टॉप लॉस रखें, इमीडिएट बेसिस पे 450 और 465 ये दो टारगेट्स रखें, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स में एक्टिविटी बनेगी, और वहां पे अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी ये एक स्टॉक है, मुझे लगता है शायद वो बैन में हो सकता है, लेकिन अगर कैश में भी खरीदेंगे तो चल सकता है, 130 के करीब ट्रेड कर रहा है, और 126 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 140 रुपए के। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बुलिश ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, करंट लेवल से मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। ओके, ये हो गया श्रीकांत जी के तो ट्रेड। मार्केट्स एट डे हाई,
22010 की ट्रेजेक्टरी को अभी अभी निफ्टी छू के आया. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू निफ्टी बैंक 46811, एक थ्रस्ट जनरेट करता हुआ HDFC बैंक. निफ्टी IT के लॉसेस 300 अंक कम हुए हैं, याद रखिएगा 300 अंक कम हुए हैं. B2 आज परफॉर्म कर रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ जो सेटअप मिल रहा है हमको अब इस वक्त एग्जैक्टली 10 बजे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो तेज़ी के फेवर में जा रही हैं. अच्छा करता हूँ, मूव अच्छा है यहाँ पे. जतिन, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. तो हमारे जो दो ट्रेड्स रहेंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ होंगे. जो पहला ट्रेड होगा वो हैवेल्स में होगा. तो हैवेल्स में रिसेंटली हमने देखा है कि 1600 के लेवल से अराउंड 1440-1450 एक करेक्शन आया था. वो करेक्शन मेरे को लगता है कि एक वेज बन गया है, फॉलिंग वेज करेक्टिव पैटर्न कम्प्लीट हो चुका है. और मेरे को लगता है कि अभी इसमें पुल बैक के लिए बहुत ही अपसाइड में पोटेंशियल है. तो हैवेल्स के आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा माइल्डली नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये वीकनेस में हमें इसे बाय करके चलना चाहिए. हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 1524 और 1555 के रहेंगे, और इसमें मैं स्टॉप लॉस 1455 का एक सजेस्ट करना चाहूँगा. जो दूसरी हमारी पिक होगी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में होगी. तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखा है कि एक फॉलोइंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है. कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप के बाद साइडवेज हो गया था. मेरे को लगता है आज इसमें मोमेंटम आ सकता है. इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी बाय की सलाह रहेगी. स्टॉप लॉस में इसमें 252 का सजेस्ट करूंगा, और टारगेट्स 265 से 267 के एक्सपेक्टेशन रहेगी. ओके, तो चलिए ये इस समय हैवेल्स पर एक पिक. राजेश जी, आपकी फ्रेश दो ट्रेड्स इस समय की? अनुज जी देखिए, दोनों बाय रहेंगे. इसमें से पहला रहेगा चोला फाइनेंस. मुझे लगता है जिस तरह से NBFCs में मुंह है, चोला फाइनेंस भी चलेगा. इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1120 का. स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1070 का. चोला फाइनेंस के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है वो है HDFC AMC में. मैं इसको वॉच कर रहा था, वो चेकिंग किए 3720 के ऊपर सस्टेन हो रहा है. बाय करें 3720 के हिसाब से अगर देखें, हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3690 का. और इसका जो स्विंग ट्रेड है इसका टारगेट बनेगा 3850 का. तो अच्छा मूव मिलेगा HDFC AMC में. मिलेगा HDFC AMC में. एक बार BPCL वापस लेकर आइए, और वो शिल्पा जी की कॉल 600 वाली जो हमने डिस्कस की थी वो कॉल लेकर आइए. वो जो स्ट्रेटजी थी उनकी, अब 11 रुपये के करीब ये कॉल पहुँच चुकी है. जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 9.5 रुपये पर रिविजिट किया था उसको, अब 11 रुपये आ चुकी है. एक बार उनका वो टारगेट वाली प्लेट लेकर आइए. शिल्पा जी, शायद कितना 15-16 रुपए का टारगेट था आपके यहाँ पर? जी, पहला टारगेट 11, देन 14-16 के बीच है, वो ऑलमोस्ट हो गया है. मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए. ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है. ये जैसा आपने भी बोला कि ये शायद आज ही हो जाए, मुझे भी लगता है हो ही जाएगा. ये नहीं, वो लग रहा था, वो देख के लग रहा था, क्योंकि आज यहाँ पर पूरे पैटर्न्स उस हिसाब से बन रहे थे. आज अच्छा पैसा बनाया ऑल मार्केटिंग कंपनीज में वैसे, क्योंकि ये स्क्रीन पर तेजी थी. कई बार क्या होता है, कई बार हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं कि ये आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है वो, लेकिन कई बार खुलता ही गैप अप के साथ है, तो उसमें आपको कुछ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता नहीं है. यहाँ पर आज जो अच्छी चीज़ हुई कि स्टॉक्स फ्लैट खुले, और इनफैक्ट एक बार के लिए रेड में भी गए और वहाँ से रिकवरी आई. तो ये एक अच्छा आपके लिए एक ट्रेड बना. यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार जरा, जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम है. निफ्टी बाय द वे ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, अब करीब करीब सिर्फ 10 पॉइंट नीचे. एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं. निफ्टी में कहाँ अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस समय. ICICI बैंक, देखें आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है. ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे आपको सारे IT नाम दिख रहे हैं प्लस HDFC बैंक, लेकिन कुछ ये स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं. अच्छा, L&T पे भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है इस समय. यहाँ पर श्रीकांत, कोई व्यू बन रहा है क्या L&T पर? बिल्कुल अनुज, अगर L&T की बात करें तो यस, यहाँ पे भी एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है, और वेरी शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल पैटर्न का भी फॉर्मेशन इसमें भी एस्टेब्लिश हो रहा है. तो आज के लोवेस्ट लेवल्स जो थे तकरीबन 3575, उन्हीं को मैं एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करूंगा. और टारगेट्स उसके बाद की जो निकल के आते हैं वो 3650 से लेकर 3675 के हो सकते हैं. तो करंट लेवल से बिल्कुल यहाँ पे अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है. और मुझे लगता है कि इंफ्रा स्टॉक्स में कैपेसाइट इंफ्रा आप देखिए, GMR देखिए, या इस बार का IRB इंफ्रा देखिए,
इन सभी में काफी अच्छा मोमेंटम बना है, मुझे लगता है ये इंफ्रा स्पेस में भी पूरा एक फोकस करना काफी जरूरी होगा। ओके, इस बीच एक दो स्टॉक्स में और मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं। अब OMCs में तो खैर आज अलग ही बात हो गई, बिल्कुल ही अलग बात हो गई। आज PSUs थोड़ा सा कलेक्टिव एफर्ट करती हुई हायर लेवल्स पर सस्टेन करने का, और एक बार आप इस क्रम में NTPC को लेके आइएगा। मेरे स्क्रीन पे अभी आई थिंक इधर NTPC को लेके आइएगा, NTPC रखिएगा एक बार। ये छोड़िए, मेरे ख्याल से इस पर कॉल के प्रीमियम आ रहे थे। एक बार आप लेके आइए डिक्सन को, 7098 पे ट्रेड करता हुआ ये अच्छा मूव दे रहा है, और आई थिंक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रिजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। शिल्पा जी, डिक्सन पे आपका व्यू इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है 7086, 9 रुपये 80 पैसे ऊपर। मेरे स्क्रीन पे इसकी ऑप्शन एक्टिविटी भी कुछ अच्छी लग रही है शिल्पा जी। जी यहाँ पे मैं जस्ट डिक्सन ही देख रही थी, अगर आप 7100 का कॉल ऑप्शन देखेंगे जो रफली 115 रुपये में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा यू नो प्ले है। आप यहाँ पे 80 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 155 से लेके 170 के लेवल्स के लिए भी इसमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। डिक्सन बहुत वाइल्ड मूव देता है, तो एक दिन में 200-300 पॉइंट मूव करना इसके लिए बड़ी बात नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है, तो इसमें मुझे लगता है आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। डिक्सन डी हाई पर आके ट्रेड करता हूँ, मूव अच्छा है यहाँ पर, और अभी बाज़ार में ऐसे ही स्विंग चल रहे हैं जनाब। बात करते करते डिक्सन 7102 हो गया रोलिंग में, और BPCL 2.25% हो गया, HPCL 2% ऊपर हो गया, और अपोलो हॉस्पिटल जो समय हमने पिक किया था वो करीब 6278 पर डी हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। कैनफिन होम से बात हुई थी हमारी, अच्छा करता हुआ। ITC अब 425.55 हो गया, ये भी मूव अच्छा दे रहा है। और फार्मा से मैं एक स्टॉक्स पे सुबह से जिस पे बात नहीं हुई वो है ल्यूपिन 1612। हो प्लेसमेंट इसकी भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट है इस वक्त बॉडी, मतलब और लेकिन बॉडी प्लेस बहुत अच्छी जगह पे है। श्रीकांत, ल्यूपिन पे आपका टेक, इसने एक जो रिक्वायर्ड रेस्ट था 11 मार्च से लेकर परसों के बीच में 20 मार्च के बीच में लिया, कूलिंग ऑफ हुई, 50 डेमा को रिविजिट किया, वहां से पुलबैक दिया कल, आपकी रीडिंग ल्यूपिन पे क्या कर रही है इस वक्त? बिल्कुल, तो देखिए वैसे हमने पिछले 1.5 महीने में कुछ फार्मा स्टॉक्स में करेक्टिव पैटर्न देखा है, और ये करेक्टिव पैटर्न में अगर आप ल्यूपिन लेबोरेटरीज के करेक्टिव पैटर्न को देखते हो तो उसमें एक रेक्टेंगल एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है। 1550 अभी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और मुझे लगता है कि इसी सपोर्ट के सहारे हम वापस एक बार 1700 या 1725 के लेवल्स रुपीन में देख सकते हैं। इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1800-1800 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन करंट लेवल से 1550 के स्टॉप लॉस के साथ हम कुछ लॉन्ग पोजिशंस बना सकते हैं। चलिए हाँ, एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एंजल वन ने इंडियन प्रीमियर लीग के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। एंजल वन IPL के एसोसिएट पार्टनर के तौर पर काम करेगी। इस डील के जरिए कंपनी क्या हासिल करना चाहती है, 2025 को लेकर कंपनी की क्या ग्रोथ स्ट्रैटजी है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी। प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग। IPL देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है एडवर्टाइजर्स के लिए, तो क्या सोचकर आपने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया है, क्या दिख रहा है आपको जो आपको लगा कि यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन द शो। एंड सबसे पहली बात तो है कि महंगा सोच के तो हमने लिया नहीं है, और हमने ये सोच के लिया है कि अगर आप यूथ कनेक्ट की बात करते हैं इस कंट्री में, तो स्पोर्ट्स और म्यूजिक के जैसे ऑप्शंस और अवेलेबल नहीं है, और IPL आज एक 80 करोड़ तक का व्यूअरशिप के बारे में बात करते हैं टीवी और डिजिटल को लेकर के। तो जो हमारा नॉर्थ स्टार है कि हमको 1 बिलियन कस्टमर को सर्व करना है डेटा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 50 करोड़ कस्टमर को हम ऑन ग्राउंड स्पॉन्सरशिप FCT और डिजिटल मीडिया के तहत पहुंच सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग हमसे तुरंत जुड़ेंगे, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे कुछ समय के बाद जब हमारे पास बहुत सारी नए फिनटेक एक्सपीरियंस होंगे उनके लिए। तो इसमें आपने कुछ रिसर्च करी है क्या कि जो IPL देख रहा है व्यूअर
वो क्या स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में पिछले दो साल में बड़ा बूम आया है, और मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्विटी कल्ट की बात कर रहा हूँ जो देश के हर छोटे छोटे गांव कस्बों तक में अब फैल चुका है। तो क्या कुछ आपने रिसर्च करी जिसमें ये निकल कर आया है कि जो खासतौर से डिजिटल पर आजकल ये थोड़ा मिलना आसान भी होता है कि वो वही इंसान स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें डिजिटल, यूट्यूब, OTT, इवन हमने बिजनेस न्यूज जैसे आपका चैनल है, जनरल न्यूज, सब में इन्वेस्ट कर रहा है और अपने डेटा को बहुत ध्यान से देखा है। हमने ऐसा देखा है कि चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, चाहे वो ब्रांड मार्केटिंग हो, जो स्पोर्ट्स अफिनिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और ये IPL एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कंटिन्यूसली फिनटेक बड़े ब्रांड्स ने इन्वेस्ट किया है, हमारे कॉम्पिटिशन ने भी किया है, और हमने जो डेटा एनालाइज किया है, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि एंजल वन जो ब्रांड है वो टॉप फनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, अब सर एग्जैक्टली स्पॉन्सरशिप और आई थिंक इस टाइटल को जीतने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपके बिजनेस अपडेट से बातचीत करना चाहूँगा। सर ये जो मंथ ऑन मंथ आपका अपडेट आया है उसमें जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है, जो अधिग्रहण है आपका, उस पेस में थोड़ी सी कमी आ रही है, इसका एग्जैक्टली एक रीज़न क्या है? क्या ये एक बहुत टेम्प्रेरी फेज है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इक्विटी मार्केट में जो सब थोड़ा सा आई थिंक कॉशियस हैं, क्या ये उसका इम्पैक्ट है? ये रेशोज आगे चल के डाउन द लाइन 2-3 मंथ्स आपको कैसी नज़र आ रही हैं, जो एक्विजिशन पेस है उसको देखते, उस पर आपकी टिप्पणी? आप क्लाइंट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं क्वार्टरली लेवल पे बात करूं तो Q2 में हमने 2.12 मिलियन कस्टमर एक्वायर किए थे, Q3 में 2.46 मिलियन और लास्ट थ्री मंथ्स में हम 1 मिलियन प्लस कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं। तो मुझे तो इस पे कुछ ऐसा डिप नज़र नहीं आ रहा है जो आप बात कर रहे हैं। तो आप एंजल वन के नंबर्स की बात कर रहे हैं कि समथिंग एल्स आप पूछ रहे हैं? मैं फरवरी के सर आपके जो ग्रॉस क्लाइंट एडिशन है, अधिग्रहण है, वो दर जो है वो करीब करीब 10.1 रही है, जिसमें करीब 1.7% का अगर आप देखें डिप है। मैं इस पर पूछ रहा हूँ सर, मेरे पे आंकड़े हैं, मैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूँ सर। मैं नहीं नहीं मैं भी आपके साथ आंकड़े ही शेयर किए, मैंने पिछले Q2 Q3 के आंकड़े शेयर किए, 1 मिलियन प्लस के शेयर किए। फरवरी में आपको पता है कि दिन कम होते हैं, और -1.03 मिलियन जनवरी में था, 1.01 इन फरवरी में था। तो मैं इन आंकड़ों पे मतलब ऐसा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। प्रभाकर जी, ऑब्वियसली ज़्यादा बिजनेस सवाल अब हम आपसे पूछ पाएंगे नहीं, क्योंकि साइलेंट पीरियड होगा इसके लिए। तो इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको इस IPL स्पॉन्सरशिप के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और अर्निंग सीजन एक बार शुरू होगा, उसके बाद आपसे दोबारा बात करेंगे, उसमें आपसे डिटेल में आपके QIP और सारे के सारे जो आप नंबर्स हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब बाजार पर खास चर्चा के लिए हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। डरा दिया मार्केट ने एक बार पिछले 10 दिन में, एज फंड मैनेजर आपने कैसे व्यू किया इस करेक्शन को, खास तौर से छोटे स्टॉक्स में? अनु जी, धन्यवाद पहले तो आपका, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। सो अनु जी, एक्चुअली ये जो करेक्शन आपने देखा स्मॉल कैप मिड कैप में, हमें लग रहा है कि आगे चल के भी काफी वोलेटिलिटी होने वाली है मार्केट में, नॉट ओनली स्मॉल कैप बट ओवरऑल। और काफी रीजन है उसके। एक तो ऑब्वियस रीजन जो ये है जो अभी शुरू होगा, वो है मार्च के जो आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो इतने बढ़िया रिजल्ट, मार्च क्वार्टर के बात कर रहा हूँ मैं, इतने बढ़िया नहीं होने वाले। इनफैक्ट आपने देखा होगा दिसंबर क्वार्टर में भी जो रिजल्ट्स आए थे, वहां पे टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही कम थी, 1-2% टॉप लाइन ग्रोथ थी, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, उसके चलते थोड़ा आपका बॉटम लाइन ग्रोथ में बढ़ावा आया था, लेकिन इस बार वो लीवे नहीं है। और दूसरा, अगर जो आप कंज्यूमर कंपनी से बात करें तो, और आपने देखा भी होगा जो एंड ऑफ सीजन सेल हुआ था, इस बार जो अनाउंस हुआ था वो दिसंबर में ही अनाउंस हो गया,
तो काफी इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड हुई है और ऑफ टेक नहीं हुआ है, तो इट्स ऑब्वियस के रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं है। और एक्चुअली अगर जो रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं हुई तो जून के भी नंबर आपको ढंग के नहीं दिखेंगे, तो आपको दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऐसे दिखेंगे जहां पे आपके अर्निंग्स कट हो रहे हैं रादर देन एक्सपैंड हो रहे हैं जो पिछले 6 क्वार्टर से हो रहे हैं। तो एक तो वो वहां पे थोड़ा स्वाभाविक है कि थोड़ा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगा, और दूसरा जो दो इवेंट्स है जो एक साथ होने वाले हैं, एक तो है हमारा जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं और बजट सेंट्रल बजट अनाउंस होने वाला है, एक्चुअल बजट अनाउंस होगा जो जून एंड जुलाई बिगिनिंग में होगा। ये दोनों के आसपास काफी ड्यूमर्स घूमते रहते हैं, बातें चलती रहती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा उथल पुथल वहां होगा। और जो चौथा जो रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट्स का, हमें नहीं लगता कटने वाले, FOMC की मीटिंग आपने देख ली थी, उनको अभी तो उनको अपना सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो उनको दिख रहा है सामने, क्योंकि काफी हद तक 25 महीने हो गए हैं कि वो सर्विस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वहां पे है वो 4% से नीचे रही है, जो बहुत ही थोड़ी कंसर्निंग है उनके लिए, क्योंकि जो आपको याद होगा 70s में जो इन्फ्लेशन हुआ था वो सर्विस लेड इन्फ्लेशन था, कमोडिटी शॉक्स बाद में आए थे लेकिन शुरुआत सर्विस इन्फ्लेशन से ही हुई थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता वहां पे इतना जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो इसलिए ये जो आपको वोलेटिलिटी दिख रही है मार्केट में वो रहेगी रहेगी। भारत जो आपने स्पेसिफिकली मिड कैप स्टॉक की भी बात की, हम आज की तारीख में मिड कैप में फिर भी थोड़ा पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं, स्मॉल कैप में तो हमने अभी रोका हुआ है अपने आप को, लार्ज कैप में ज्यादा फोकस है क्योंकि वहां पे तो कम्फर्ट ज्यादा है हमारा ऑन वैल्यूएशन टर्म्स। और आप हिस्ट्री में भी देखें तो एवरेज जो मार्जिन कंफर्ट होता है वो नॉर्मली लार्ज कैप में ही होता है, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लार्ज कैप में ही ज्यादा कंफर्ट रहता है, मिड कैप में थोड़ा कम हो जाता है। इनफैक्ट एवरेज लार्ज कैप के मार्जिन के अराउंड 18% होते हैं, मिड कैप के अराउंड 13% होते हैं, और जो आपका स्मॉल कैप है वो 6% हो, तो आप सोच लीजिए कि 6% के पास आप थोड़ा स्ट्रेच वैल्यूएशन में कंफर्ट कुछ नहीं बनता। अच्छा, कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। आज का सेक्टर ऑफ द डे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कल भी बड़ी रैली थी, उस 2 रुपए के प्राइस कट को आपने कैसे रीड किया, क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली उसकी वजह से? बिल्कुल अनुज जी, एक्चुअली आप देखिए एक चीज थी कि काफी गवर्नमेंट की बेनिवोलेंट थी कि उनको इतने एक्सपेंडेड मार्जिन अर्न करने दिए फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो 5-6 रुपए के मार्जिन जो हिस्ट्री में कभी देखे नहीं थे वो इन्होंने काफी टाइम से अर्न कर रहे थे ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो काट के जो 2 रुपया काटा उसके चलते अभी नॉर्मलाइज हो गए उनके मार्जिन, 3 रुपए के आसपास आ गए उनके मार्जिन जो है, 3 रुपए पर लीटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट्स कि अभी जो आगे चल के जो नॉर्मलाइज मार्जिन है वो अर्न करने दे रही है उनको, उन्होंने ज्यादा काटा नहीं है, विच वॉज अ वेरी हेल्दी साइड, और क्रूड भी बिहेव कर रहा है अपना, तो हमें तो ऐसे ही लगा जब ये गिरे तो हमें लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही मार्केट ने रीड इन कर लिया यहाँ पे, वो सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकल मूव है और आगे चल के और कट्स होंगे, लेकिन हमें तो ये लगा कि प्रॉब्ली ये एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्जिन्स का बन रहा है यहाँ पे इसलिए कट किया है, तो इसलिए हमें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी वहां पे। आप आए बाहर आए दिनेश्वर जी, इंडेक्स जो है वो डे हाई पर आके खड़ा हो गया, अच्छी बात है, आपसे ये मुलाकात अभी तक तो हक में जा रही है। अच्छा, इस मिड कैप और स्मॉल कैप के डैमेज के बीच में एक यूनिवर्स और ट्रबल में था, वो थी RBI का जो कुछ NBFCs पे एक्शन हुआ है, अब इसके बाद आपका NBFCs पे व्यू क्या है? सभी NBFCs में प्राइस डैमेज हुआ, लार्ज कैप से लेकर मिड कैप तक, इवन द B2, अभी आप लोगों का सर पिकिंग ऑर्डर NBFCs में क्या है, क्या क्या है आपके पास, या फिर इस डिप में कुछ ऐड किया आप लोगों ने? हमने जब भी NBFCs देखे थे वो यही देखे थे, इसी होप से देखे थे कि जब सबसे खराब वक्त था तब उन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी कैसे मैनेज की थी, तो इसलिए जो RBI का जो ये डायरेक्टिव आया था अबाउट लेंडिंग एंड ऑल दैट, तो उसमें हमें बहुत क्लैरिटी थी कि हमारे वाले NBFCs काफी हद तक अच्छे निकलेंगे, और वही हुआ, इसलिए हमारे जो मेन NBFCs हैं एक हाउसिंग फाइनेंस का है, फिर 2 हमारे CV फंडिंग वाले हैं, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं, और जैसे ही करेक्शन हुआ उल्टा हमने तो ऐड करने का ही सोचा यहाँ पे, क्योंकि
थैंकफुली म्यूचुअल फंड में पैसे रोज आते रहते हैं तो हमें डिप्लॉय करने के लिए भी इश्यू नहीं रहता है, यू डोंट हैव टू रीएलोकेट द मनी, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वहां पे। लेकिन वी वर वेरी कंफर्टेबल कि ये जब वर्स्ट ऑफ टाइम्स में उन्होंने अपने एसेट मैनेज कर लिए थे तो आरबीआई कुछ नया नहीं निकाल सकता उनके उसके चलते, तो इसलिए वी वर वेरी क्लियर अबाउट दिस। जी तो ये एनबीएफसी पे देंशो जी का टेक है। मीनवाइल मार्केट्स डे हाई और पूरा कैपिटल गुड्स को देखिए आप आज, लुक एट एलएनटी, आई मीन 3603 डे हाई के जोन में हर स्पेस का एक लीडर आके पार्टिसिपेट करता हुआ, और एलएनटी लेके आइए, रिलायंस को लेके आइए डे हाई के ट्रैजेक्टरी में, मार्केट्स एट डे हाई। देंशो जी इस बार हमने कैपिटल गुड्स में अलग ही मूव देखा, हालांकि इस बार लीडरशिप एलएनटी के हाथ में नहीं थी, बट मोर और लेस ये यूनिवर्स बहुत स्ट्रांग रहा। आप एबीबी के अर्निंग्स को देखिए, आप कमिंस के अर्निंग को देखिए, कमिंस के तो आई मीन एक साल में आप प्राइस को पहचान भी नहीं पाएंगे। थोड़ा बजट के बाद हल्का सा डिप था, लेकिन उस डिप को बाजार ने हाथों हाथ लिया। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक सर अभी? जी देखिए, जो भी केपेक्स रिलेटेड स्टोरी है हमें तो बहुत कंफर्ट है वहां पे, क्योंकि एक्चुअली आप देखेंगे बजट में भी जो अभी आने वाला है, आप गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट जारी रहा तो ऑब्वियसली इंफ्रा पे जारी रहेगा, केपेक्सेस होंगे, रेलवे पे जारी रहेगा, डिफेंस में जारी रहेगा उनका थ्रस्ट, तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो काफी बेनिफिट करते हैं इस थ्रस्ट से, और एक्चुअली चाहिए भी, क्योंकि आपका जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी काफी कम हो गया था एक हद तक, और अभी वो पिकअप हो रहा है, और बट पिकअप हो रहा है वो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा है, तो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता आज की तारीख में थोड़ा बैक ऑफ करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जैसे ही पिकअप होता है यहाँ पे भी, और जो ऑलरेडी आप जो सुन रहे थे साउंड बाइट्स उसमें लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का भी पिकअप आने वाला है, तो उसके चलते लगता है ये दोनों मिला के अगर जो आप ऐड कर देंगे तो केपेक्स सेक्टर जो सॉरी केपेक्स रिलेटेड है, इंफ्रा रिलेटेड प्लेस है, वो तो काफी अच्छा करेंगे, और ये सारे पार्टिसिपेंट उसी के थे। भारत हमें एक्चुअली वैल्यूएशन के चलते हमें सिर्फ एक ही स्टॉक पसंद है जो हर एक सेक्टर में, हर एक आप नाम लीजिए, कंस्ट्रक्शन की नाम लीजिए, रोड प्ले कीजिए, तो वो एक ही स्टॉक है जो करता है जिसका आपने नाम लिया था अभी शुरुआत में, तो वो हमारे पास है, और वो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से उनकी ऑर्डर बुक बिल्डअप हो रही है वो मैटर ऑफ टाइम है बिफोर वहां पे भी एक रैली आने बाकी है। ओके, बाय द वे मार्केट देखिए, निफ्टी 170 पॉइंट रिकवर हो चुका है अब डे लो से, बहुत शानदार रिकवरी, और अब तो आईटी भी थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने लीड किया, लेकिन आईटी ये जो 3.5% तक नीचे हो गया था इंडेक्स, अब 2% नीचे है, मतलब 1.5% की रिकवरी आईटी में भी आई है। अच्छा देंशो जी, आईटी पर आपका और समीर जी का लगातार व्यू यही रहा है कि आपने अवॉइड किया लगातार टेम्पटेशन को बाय करने की, अभी भी कंपनियां, कल एक्सेंचर ने गाइडेंस कट कर दी, ये कितने समय तक मामला चलने वाला है और कहाँ पर बाय होगा ये? ये आईटी का सुन के मेरे को एक गालिब का शेर याद आ रहा है, और मैं प्रिपेयर करके आया था उसके लिए, तो इसलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि गालिब ता उमर ये भूल करता रहा, भूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। यही हाल है आईटी का कि प्रॉब्लम इंटरेस्ट एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप ये देखिए कि आप जो एक्सेंचर का जो कॉल था कल, ऐसे शब्द नॉर्मली यूज नहीं किए जाते जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो डील क्लोजर्स है बहुत टाइम लग रहा है उनमें डील क्लोज करने में, फिर हमारे स्पेंड्स कम हो गए हैं, मतलब एज इन द डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स टेबल से निकाल दिए हैं लोगों ने, और छोटी डील्स तो खत्म ही हो गई हैं, यहाँ पे सिर्फ बड़ी डीलों की बातें होती हैं आजकल, तो ये सब कोई अच्छा साउंड बाइट्स नहीं होते हैं। और एक्चुअली आप एक हिंट जो हमें मिल रहा था वो ऑब्वियस था कि आपके मैन पावर एडिशन में टोटली स्लैक ऑफ हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी भी जो वैल्यूएशन बने हुए हैं, मतलब 2829 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स के, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें तो अभी भी सेक्टर खराब ही लग रहा है, तो बेटर दूर ही रहे, दूर ही रहे। कोई और नया स्टॉक या सेक्टर जो आपने ऐड किया हो दिनशो जी, जिसकी हमने ज्यादा बात की नहीं है? जी हमने एक्चुअली नया कुछ सेक्टर ऐड नहीं किया, बट वेट ऐड किया हमने टूरिज्म में, बिकॉज हमने ये देखा कि मार्च की अगर जो आप बात करें, मतलब जो सबसे ठंडा महीना होता है फॉर होटल्स एंड ऑल, कमरा मिलने में मेहनत लग रही थी हमारे स्टाफ को, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया तेजी बनी हुई है, और एक्चुअली अगर जो आप मैं जैसे बोला आपको कि केपेक्स पेमेंट वगैरह की बात हो रही है, तो ये सब के लिए there is a reason for that, right? बाहर से लोग आते हैं,
जो बिजनेस फ्लो होता है, टूरिज्म तो आप साइड में रखिए, पर बिजनेस का जो टूरिज्म हो रही है, बिजनेस टूरिज्म, दैट आल्सो हैज बिकम टू बिग. तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक सेक्टर है जहां पे हमें बना रहना चाहिए, और इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश्वर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. और जैसा वीरू ने कहा, आप आए बाहर, आई आप चैनल पर आए और वहां से मार्केट घूमा और शानदार रिकवरी के साथ. थैंक यू सो मच, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए हमारे साथ. और वीरू, आपको एक कंपटीशन भी मिल गया, दिनेश्वर जी ने भी एक आज गालिब का शेर सुना दिया आज. लेकिन मार्केट वैसे वाकई में थोड़ा शेर व शायरी के मूड में है भी, और अच्छी खासी रिकवरी. अच्छा, आईटी भी रिकवर हो गया है डेलो से, लेकिन मोमेंटम ठीक ठाक है. अब क्या एक और गुगली बाकी है मार्केट की, ये देखते हैं. नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर. नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू. क्या गुगली? पता नहीं, क्योंकि मार्केट में दो तीन स्विंग आ चुके हैं. अब कोई एक और स्विंग, अब क्या होता है ना, कई बार आपको लगता है कि अब मैं लॉन्ग हो जाता हूँ और मार्केट वहीं पलट जाए, तो कई बार ये भी हो जाता है मार्केट में. लेकिन एक चीज़ है क्लियरली, मार्केट दो दिन से बाय ऑन डिप्स को रिस्पेक्ट कर रहा है. हर डिप पर अगर आपने बाय किया एंट्री की, अच्छी स्विंग मिली है. और जो आज हमने सुबह डिस्कस किया था, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हैं, वहाँ पर अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं. और आईटी रिकवर होना शुरू हो गया है, देखते हैं आज आखिरी का सेकेंड हाफ कैसा रहता है. ओके, ये आज का दिन इंटरेस्टिंग होगी, लॉन्ग वीकेंड से पहले का दिन है और रिकवरी हो सकती है, अच्छी खासी सस्टेन भी करें. चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन पहले हेडलाइंस.